हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। मैं हूं मुनेश और आज की अकाउंट की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं जर्नल एंट्रीज। बच्चे, जनरल एंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जर्नल एंट्री के ऊपर आपका 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। देखो, सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कहती कि हाँ जी काफ़ी सारी जर्नल एंट्रीज आपने करनी है, ठीक है, उसके अंदर आपको अमाउंट का भी ध्यान रखना है, सारा कुछ है। बट क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, आपके पास में एक स्टेटमेंट गिवन होगी, क्योंकि जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन है होती है आपकी, तो सबसे पहले उसको हम जर्नल के अंदर एंटर करते हैं, ठीक है, सभी को पता है। क्योंकि पिछली 4 क्लासेस के अंदर हम काफ़ी डिटेल के अंदर अकाउंट कर चुके हैं, तो आज जर्नल एंट्री के अंदर बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि हाँ जी उनके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आज हम जर्नल एंट्री के ऊपर बेस्ड ही क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे, सो दैट जो आपकी गलतियां हो रही है वो आपकी ठीक हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या होगा, आपके पास में एक स्टेटमेंट होगी और क्वेश्चन है कि विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, कि कौन सा अकाउंट आपका डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। तो जर्नल एंट्री करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक रूल्स जो हैं अकाउंटिंग के वो मैं बता देती हूँ। सभी को पता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ये हम पिछली क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं, तो अब एक बार हम रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहले है बच्चे पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, सारे के सारे क्वेश्चन हम अपने इसके बेस पे ही करेंगे। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट हमें कह रहा है कि रिसीवर द डेबिट, ठीक है, गिवर द क्रेडिट। मीन्स जो बंदा कुछ रिसीव कर रहा है, कोई भी पर्सन है जो रिसीव करता है किसी चीज़ को, चाहे वो कैश रिसीव कर रहा है या कोई एसेट रिसीव कर रहा है, तो वो क्या होगा, डेबिट में जाएगा उसका अकाउंट, ठीक है। अगर वो दे रहा है चीज़ें, इफ़ ही इज़ ए गिवर, देन द अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, क्लियर। अब जो दूसरा है अकाउंट आपके पास में कौन सा है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कौन से हैं, जो कि आपके एसेट से बिलोंग करते हैं, जैसे अपने पास में फर्नीचर अकाउंट हो गया है, ठीक है, मशीनरी अकाउंट है, तो ये सारे के सारे आपके रियल अकाउंट्स हैं। और रियल अकाउंट में रूल क्या है, व्हाट कम्स इन, हमारे बिजनेस में अगर कुछ आ रहा है कोई, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है। व्हाट गोज आउट, अगर बिजनेस में से कुछ जा रहा है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट, क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है। तीसरा जो है वो है अपने पास में नॉमिनल अकाउंट, कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट कौन सा होता है, जिसके अंदर जितने भी आपके खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, प्रॉफिट्स हैं, इनकम्स हैं, वो सारे के सारे किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। लाइक सैलरी अकाउंट हो गया, वेजेस अकाउंट हो गया, डिस्काउंट अकाउंट हो गया आपका, ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट हो गया, सारे के सारे क्या हैं आपके, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट के अंदर रूल क्या कहता है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, तो वो क्या होंगे आपके, डेबिट। एंड ऑल द इनकम, कोई भी अगर हमें कहीं से इनकम हो रही है या कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको वो क्या होगा आपके पास में, क्रेडिट, क्लियर है। अगर आपको ये सारे रूल्स पता हैं तो आपके क्वेश्चन के गलत होने के कोई चांस नहीं है, ठीक है। और उनको कैसे अप्लाई करना है ये भी देखना है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, तो सबसे पहले क्या है कि हमें ये देखना है कि इसके अंदर आपके कौन कौन से अकाउंट्स होंगे और कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। मीन्स नेचर ऑफ अकाउंट आपको पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट आपका डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, क्लियर। सो अब क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए क्या है। हाँ जी, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सेल टू महेश अकाउंट शुड बी डेबिटेड टू, सेल्स टू महेश, क्या है स्टेटमेंट, सेल टू महेश, महेश को सेल किया है, ठीक है।
अब यहाँ पे कौन कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक तो आपको दिखाई दे रहा है सेल अकाउंट दिखाई दे रहा है, एक महेश अकाउंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब अकाउंट के नाम तो पता चल गए, अब इनके अगर हम नेचर देखते हैं तो देखो यहाँ पे जो महेश अकाउंट है कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। जब महेश को सेल कर रहे हैं, आई एम द बिजनेसमैन, मैं जब महेश है एक सेकंड पर्सन है, मान लीजिए आप महेश हो, मैं आपको सेल कर रही हूँ, तो मेरे पास से सेल हो गई, मतलब मेरे पास से गुड्स चली गई हैं, मेरे पास से गुड्स गई, व्हाट गोज आउट, आउट क्रेडिट, मीन जो सेल है सेल आपकी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी बच्चे। अब महेश है, महेश के पास में गुड्स आ गई हैं, व्हाट कम्स इन मतलब डेबिट, तो महेश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्लियर। इसमें कोई भी डाउट, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, अगर हमारे पास कुछ आ रहा है बिजनेस में तो क्या हो जाएगा, डेबिट, अगर मेरे पास से कुछ जा रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, बिल्कुल क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखिए महेश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकाउंट शुड बी डेबिटेड टू, तो डेबिटेड टू महेश अकाउंट, दैट मीन्स सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्या आ जाएगा, महेश अकाउंट, क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया परचेज का। अब देखो ध्यान से समझो, जब मैंने सेल किया था, अब यहां पे क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, श्याम से गुड्स परचेज की हैं, मैं ओनर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, ठीक है। अब मैं श्याम से गुड्स परचेज कर रही हूं, गुड्स मैं परचेज कर रही हूँ, ठीक है। उस केस के अंदर जो परचेज होके गुड्स मेरे पास आ रही है, मतलब परचेज जो है, गुड्स जो है वो बिजनेस के अंदर आ रही है, जो मैं परचेज कर रही हूँ गुड्स को, वो बिजनेस में आ रही है, व्हाट कम्स इन क्या है, डेबिट, तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा अकाउंट यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, श्याम अकाउंट, श्याम से परचेज कर रहे हैं हम, जब हम श्याम से परचेज कर रहे हैं तो श्याम क्या है, श्याम पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है कि आपका रिसीवर द डेबिट गिवर द क्रेडिट, श्याम से मैं परचेज कर रही, तो उस केस में श्याम ने मुझे गुड्स दी हैं, दैट मींस श्याम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, तो श्याम अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अकाउंट शुड बी डेबिटेड टू, तो डेबिटेड कौन सा हो जाएगा आपके पास में, परचेज अकाउंट, सो परचेज अकाउंट विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर। यहाँ पे देखो अच्छे से समझ आ गया, जब हम परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, जब हम परचेज कर रहे हैं तो गुड्स हमारे बिजनेस में आ रही हैं, दैट मीन्स डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम सेल कर रहे हैं, जब सेल कर रहे हैं तो बिजनेस के अंदर से गुड्स जा रही है, दैट मीन्स सेल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड द अदर अकाउंट विल बी डेबिटेड। देखो जब भी आप अकाउंट में काम करते हो तो डबल एंट्री सिस्टम होता है इसमें बेटा, एक अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरा अकाउंट क्रेडिट भी होगा, ठीक है। अगर आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है तो अगर आपका एक अकाउंट का भी आपको पता चल जाता है कि हाँ जी ये डेबिट है या क्रेडिट है, तो दो दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट है वो उसका अपोजिट हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। वैसे तो आपको समझना है अभी इस टाइम पे, तो आप दोनों को समझते हुए चलो कि हाँ जी मैडम ये वाला अकाउंट डेबिट कैसे हुआ, ये क्रेडिट कैसे हुआ, तो यहाँ पे आपको दोनों समझ आ गए अच्छे से कि डेबिट कैसे हुआ, क्रेडिट कैसे हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा परचेज गुड्स From Mohan on cash, purchase goods from Mohan. अब क्वेश्चन को समझिए, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या लिखा है, मोहन तो लिखा है, नाम तो आ गया, बट साथ में एक और वर्ड यूज हो रहा है क्या, ऑन कैश, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, परचेज अकाउंट, मोहन अकाउंट, या फिर कैश अकाउंट, मोहन अकाउंट, या फिर मोहन अकाउंट, कैश अकाउंट, परचेज कैश, क्या होगा। तो बेटा जब भी अगर हम परचेजिंग किसी पर्सन से कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हाँ जी हम उससे उधार परचेज कर रहे हैं, भाई क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस के अंदर उस पर्सन का नाम आएगा। अगर उसने साथ में कैश मेंशन कर दिया है तो उस केस के अंदर कैश अकाउंट जनरेट होगा, ना कि उस पर्सन के नाम से अकाउंट जनरेट होगा। तो यहाँ पे दो अकाउंट होंगे आपके, कौन से, फर्स्ट अकाउंट इज परचेज अकाउंट और दूसरा कौन सा हो जाएगा, कैश अकाउंट, ठीक है जी। अब जब आप परचेज करते हो, जब आप परचेज कर रहे हो तो गुड्स क्या है, बिजनेस में आ रही है, तो क्या हो गया, डेबिट, और कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है तो क्या हो गया, क्रेडिट,
जब हम बाई कैश परचेज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कैश दे रहे हैं हम, कैश जा रहा है, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, व्हाट कम्स इन डेबिट, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसके अंदर आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया बेटा, अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू, क्रेडिटेड टू, तो क्रेडिट किस में हो रहा है, कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट विल बी द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड शुड बी डेबिटेड टू, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड, पहले हम इंटरेस्ट को समझ लेते हैं उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। देखो दो बातें होती है, एक हो गया इंटरेस्ट पेड, ठीक है, दूसरा ये भी आ सकता है इंटरेस्ट, क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले मैं कंसेप्ट समझा रही हूं उसको समझ लीजिए आप लोग। दूसरा है इंटरेस्ट रिसीव, चाहे इंटरेस्ट पेड है बेटा चाहे इंटरेस्ट रिसीव है, दोनों केसेस के अंदर कौन सा अकाउंट बनता है, नॉमिनल अकाउंट है, कौन से अकाउंट है ये, नॉमिनल अकाउंट है, और अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट ऑल द इनकम्स आर क्रेडिटेड एंड ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट जब हम पे कर रहे हैं, जब हम कैश दे रहे हैं, तो उस केस में इंटरेस्ट पे हो गया दैट मीन्स एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, तो इंटरेस्ट पेड के केस में आपका इंटरेस्ट अकाउंट क्या बनेगा, डेबिट, ठीक है। और इंटरेस्ट रिसीव के केस के अंदर हमें क्या हो रही है, एक इनकम हो रही है, तो ये क्या जाएगा, क्रेडिट। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो गया, जब हम इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो उस केस के अंदर इंटरेस्ट अकाउंट विल बी डेबिटेड, एंड इन केस ऑफ इंटरेस्ट रिसीव इंटरेस्ट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। क्लियर, तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए बेटे क्या है, क्वेश्चन कह रहा है अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड शुड बी डेबिटेड टू, क्या है इंटरेस्ट पेड, अभी मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट अगर हम पे कर रहे हैं, दो अकाउंट बनेंगे आपके, कौन से, एक हो गया इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। अब इंटरेस्ट मैं कैसे दे रही हूँ, चलो ये तो हो गया कि हाँ जी इंटरेस्ट अकाउंट है और इंटरेस्ट पेड है, तो यहाँ पे आपको यहीं से क्लियर हो गया कि जो इंटरेस्ट अकाउंट है वो क्या होगा, आपके पास में डेबिट हो जाएगा, यहीं से आपका आंसर आ गया। बट अगर इसमें क्वेश्चन में होता आपके पास में अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू, तो दूसरा अकाउंट भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट बनेगा, दूसरा दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा बेटा, कैश अकाउंट, क्योंकि जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं, कैश के फॉर्म में इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, कैश अकाउंट क्रेडिट। अब क्वेश्चन में आपके पास में अगर पूछा है विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, तो क्रेडिटेड हो जाएगा कैश अकाउंट, विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, तो कौन सा आ जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट। क्लियर, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है सैलरी पेड टू स्टाफ विल बी डेबिटेड टू विच अकाउंट, सैलरी पेड, अब देखो यहाँ पे था आपके पास इंटरेस्ट पेड, अब क्या है सैलरी पेड, जब आप सैलरी पे कर रहे हो, ठीक है, तो जो सैलरी अकाउंट बनेगा एक आपका, और सैलरी हम कोई किस फॉर्म में पे कर रहे हैं, कैश की फॉर्म में पे कर रहे हैं, तो स्टाफ का अकाउंट नहीं जनरेट होगा बेटा, कैश अकाउंट जनरेट होगा, क्योंकि सैलरी हम दे रहे हैं स्टाफ को कैश की फॉर्म में, तो यहाँ पे दूसरा अकाउंट कौन सा हो जाएगा आपके पास में, कैश अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। अब जो सैलरी अकाउंट है क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, जितने भी खर्चे हैं वो किस में जाते हैं आपके, डेबिट में जाते हैं, तो सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड। अब कैश अकाउंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो कैश, कैश जब मैं सैलरी दे रही हूँ तो मीन्स कैश जा रहा है मेरे पास से, ठीक है, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो अगर मेरे पास से कैश जा रहा है तो क्या आ जाएगा, ये क्रेडिट में आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, अकाउंट विल बी डेबिटेड टू विच अकाउंट, डेबिटेड कौन सा आ जाएगा, सैलरी अकाउंट, का क्या आंसर आ जाएगा आपके पास में, सैलरी अकाउंट। क्लियर है, सैलरीज पेड टू स्टाफ विल बी डेबिटेड टू विच अकाउंट, कौन से अकाउंट के अंदर डेबिट होगी, ये कौन से अकाउंट में डेबिट होगा आपका, सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट आपका डेबिट होगा, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, ठीक है। अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो, और कहीं पे देखो एक बिल्कुल सिंपल सा मैं आप लोगों को एक रूल बताती हूँ, ठीक है, जिससे आपके पास कम से कम कैश की एंट्री गलत नहीं होगी, चाहे आपको रूल्स पता है या नहीं पता है, जब भी अपने बिजनेस से कैश जा रहा है, कैश कम हो रहा है, ठीक है, कैश कम हो रहा है, वर्डिंग को ध्यान से सुनो, कैश कम हो रहा है, कैश जब भी कम हो रहा है तो वो किस में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, ट्रिपल सी याद कर लीजिए, कैश कम हो रहा है तो क्रेडिट में जाएगा, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा ये क्रेडिट, और जो दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट बनेगा वो किस में चला जाएगा, डेबिट में चला जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें, काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, जर्नल एंट्रीज पे बेस्ड आपके एक से दो क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस शुड बी क्रेडिटेड टू, क्या है स्टेटमेंट, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, अमाउंट इन्वेस्टेड दैट मीन्स कि एक तो कैश अकाउंट हो गया आपका, अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है दैट मीन्स कैश अकाउंट है, ठीक है जी। अब किसने कैश इन्वेस्ट किया है, इन द बिजनेस, बिजनेस में कैश आ रहा है, ठीक है। जब कैश, मैंने बताया कि जब कैश बिजनेस से जा रहा है, कैश कम हो रहा है तो क्रेडिट, दैट मीन्स जब कैश आ रहा है तो क्या होगा बच्चे, डेबिट। तो कैश क्या आ जाएगा, डेबिट, रियल अकाउंट है, व्हाट कम्स इन डेबिट, ठीक है। दूसरा है बाय द प्रोप्राइटर अकाउंट, तो दूसरा अकाउंट किसका बनेगा बेटा, प्रोप्राइटर अकाउंट बनेगा, किसका बनेगा, प्रोप्राइटर अकाउंट बनेगा, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, जो प्रोप्राइटर का जो पैसा होता है, जो हमारा ओनर है, ओनर के जो भी पैसा बिजनेस में लगा रहा है, ओनर का जो भी कुछ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैपिटल, ठीक है। तो ओनर के पैसे को क्या बोल रहे हैं हम, कैपिटल, और ओनर पैसा लगा रहा है दैट मीन्स कौन सा अकाउंट, इसकी जगह पे हम प्रोप्राइटर नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पे कौन सा अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट, कौन सा बनेगा, कैपिटल अकाउंट। तो क्या आ जाएगा ये आपके पास में, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब क्वेश्चन क्या है, शुड अकाउंट शुड बी क्रेडिट टू, तो क्रेडिट टू कौन सा आ जाएगा बेटा, कैपिटल अकाउंट, आंसर क्या आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट, समझ आ गया, कैपिटल अकाउंट बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो बेटा अगर मान लो कोई भी आपको डाउट आ रहा है, तो उस डाउट को आप साथ साथ आप क्लियर कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल के मुझे बताइए कि हाँ जी मैडम यहाँ पे हमें डाउट आ रहा है, मैं आपका डाउट बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करूंगी। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, क्या है, देखिए बेटा आप लोगों के लिए पंजाब पटवारी के रिक्रूटमेंट के लिए अभी पीडिया की तरफ से हम एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लेके आए हैं। इस कोर्स के अंदर आपको 100+ वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, कितने लेक्चर्स मिलेंगे, 100+ वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, जिसके अंदर आपके सारे टॉपिक्स कवर होंगे, लाइक आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ठीक है, अकाउंट्स है, आपका रीजनिंग है, एग्रीकल्चर है, मतलब जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, आपकी पंजाब जीके है, सारे के सारे टॉपिक्स 100 वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम आपको कराने की कोशिश करेंगे। साथ में 20 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे आपको, कितने 20 सेक्शनल टेस्ट हैं, और 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको अवेलेबल होंगे। और इस टाइम पे इस कोर्स के ऊपर 30% का डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो 30% का डिस्काउंट है, तो ये कोर्स आप लोगों को काफ़ी रीजनेबल प्राइस के अंदर मिल रहा है। तो जो भी कैंडिडेट्स इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जल्दी से आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, तो आप बच्चे उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं इसके बाद में, हाँ जी डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, बिल्कुल सही बात है, करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, देखिए क्या है, क्वेश्चन है गुड्स रिटर्न टू सप्लायर शुड बी डेबिटेड टू, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, देखो आई एम द बिजनेसमैन, पहले कंसेप्ट को समझिए उसके बाद में हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। दिस इज मी, कौन, बिजनेसमैन, ठीक है जी। अब बिजनेसमैन करता क्या है, क्या करता है बिजनेस, सप्लायर से गुड्स परचेज करता है और कस्टमर को आगे सेल कर देता है, ठीक है, ये है सप्लायर, ठीक है। इससे क्या करेगा, गुड्स को परचेज करेगा, परचेज करेगा और उसके बाद में आगे कस्टमर को उसको सेल कर देगा, कस्टमर को गुड्स को सेल कर देगा, यही होता है बिजनेसमैन का काम, कि पहले सप्लायर से गुड्स परचेज करेगा, फिर कुछ प्रॉफिट के ऊपर वो कस्टमर को आगे उसको सेल कर देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो बिजनेसमैन है, इससे क्या कर रहा है, सप्लायर से क्या करेगा, गुड्स खरीदेगा। अब जब गुड्स खरीद रहा है वो, उस टाइम पे वो देखता है कि हाँ जी कुछ पीसेज मेरे पास में डिफेक्टिव आ गए, कुछ गुड्स मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो क्या करेगा, इसको वापस इसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। सप्लायर को, बिजनेसमैन अपने जो गुड्स हैं उनको रिटर्न कर देगा इसको, ठीक है। जब वो इसको गुड्स रिटर्न करेगा वापस, तो इसको क्या बोलते हैं हम, परचेज रिटर्न बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे, परचेज रिटर्न,
क्लियर है। जो परचेज रिटर्न है इसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिटर्न आउटवर्ड। क्लियर, बिल्कुल समझ आ गया। अब उसके बाद में दूसरा पॉइंट समझते हैं। अब आगे बात कस्टमर की। अब मैंने कस्टमर को सेल कर दिया, क्योंकि सब जो भी हम क्वेश्चंस करते हैं, जब क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं तो बिजनेसमैन के प्रस्पेक्टिव से हम देख रहे हैं कि हाँ जी जो एंट्रीज हो रही है वो बिजनेसमैन के खाते में हो रही है, उसके जर्नल में एंट्रीज हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, जब कस्टमर को हमने सेल कर दी, अब कस्टमर के साथ भी तो ऐसा हो सकता है कि उसको कोई चीज़ ना पसंद आए, ठीक है, चीज़ ना भी पसंद आए, उसके अकॉर्डिंग चीज़ नहीं है, या कुछ डिफेक्टिव पीस आ गए, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो वो क्या करेगा, इसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, जब बिजनेसमैन को रिटर्न कर रहा है तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, उसकी जो सेल हुई थी, सेल रिटर्न होके उसके पास में वापस आ रही है, तो इसको क्या बोल देंगे हम? सेल रिटर्न। क्या बोल लेंगे इसको हम? सेल रिटर्न। क्लियर है। जब सेल रिटर्न आ रही है तो इसको और क्या बोल देते हैं? इसको रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, कई बार ये वर्ड्स आपको देखने को नहीं मिलते, इसकी बजाय रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड वर्ड यूज कर रखे होते, तो आपने उसको देख के नहीं घबराना है, समझ लेना है। अब समझ आ गया, यहां तक बिल्कुल समझ आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखो, क्या कह रहा है, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर शुड बी डेबिटेड टू। अब हमें ये चेक करना है कि अगर हम गुड्स को रिटर्न करते हैं सप्लायर को, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, मेन ये है। अब जब हम इसको रिटर्न कर रहे हैं गुड्स को, ठीक है, तो सेल रिटर्न हो रही है, तो बिजनेस के मैन के पास से क्या हो रहा है, गुड्स वापस जा रही हैं। ठीक है, दैट मींस जब व्हाट गोज आउट क्या होता है, गोज आउट क्या होता है, क्रेडिट होता है। दैट मींस जो ये अपने पास में जो परचेज की थी हमने, वो वापस चलेगी। जो हमने गुड्स परचेज करी थी, जो मैंने परचेज करी थी, वो मैंने सप्लायर को वापस कर दी हैं। ठीक है, परचेज रिटर्न, जब मैं परचेज रिटर्न कर रही हूँ, जब वापस जा रही हैं मेरे पास में, दैट मीन्स गोज आउट है, तो हमेशा जो परचेज रिटर्न है वो क्या होगी आपके पास में? क्रेडिट होगी। ठीक है, क्रेडिट क्यों होगी? क्योंकि गोज आउट, रियल अकाउंट अभी मैंने पढ़ा है आपका, ठीक है, बताया ना आपको अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर भी, कि जब भी गोज आउट हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा, कम्स इन हो रहा है तो हमारे पास में डेबिट होगा। ठीक है, अब किसको वापस कर रहे हैं हम रिटर्न, कौन है रिसीवर, रिसीवर कौन है? सप्लायर। जो सप्लायर है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? डेबिट हो जाएगा। सप्लायर क्या हो गया? डेबिट। व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, रिटर्न परचेज, परचेज हमने रिटर्न कर दी वापस, तो गुड्स हमारे पास से चली गई हैं, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो गई है। किसके पास गई है, कौन है रिसीवर? सप्लायर इज द रिसीवर, सप्लायर इज द रिसीवर, दैट मीन सप्लायर अकाउंट विल बी डेबिटेड। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, कि रिटर्न गुड्स रिटर्न टू सप्लायर शुड बी डेबिटेड टू, टू डेबिटेड टू सप्लायर्स अकाउंट, कौन सा हो जाएगा बच्चे? सप्लायर्स अकाउंट। आई होप क्लियर हो गया होगा, इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में। चलो इससे पहले इसकी डिटेल्स आ गई, वैसे मैंने बोर्ड पे पूरी डिटेल्स आपको समझा दी है, एक बार रीड कर लेते हैं। क्या कह रहा है, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मीन्स यू आर रिटर्निंग, यू आर रिटर्निंग सम मटेरियल विच यू है, यू हैड परचेज, सिंपली परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न को क्या बोल रहे हैं? रिटर्न आउटवर्ड। सेम वे रिटर्न इनवर्ड, इट मीन्स व्हाट यू हैव सोल्ड इज कमिंग बैक टू यू, कमिंग बैक टू यू, सिंपली सेल रिटर्न। दिस अमाउंट शुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द टोटल सेल एट द सेलिंग प्राइस। जब हम रिटर्न कर रहे हैं गुड्स को, तो जो सेलिंग प्राइस है उसके अंदर से वो रिड्यूस हो जाएगी से। क्लियर है, देखो इसके अंदर कोई भी डाउट हो, ठीक है, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन भी कर लीजिए, दोनों की दोनों आपके पास, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द गुड्स आर रिटर्न टू ए सप्लायर, जब हम गुड्स को सप्लाई करते हैं, सॉरी रिटर्न करते हैं किसको? सप्लायर को। इन दैट केस क्या होगा, एन इनवॉइस इज सेंड टू हिम, ए डेबिट नोट इज सेंड टू हिम, ए क्रेडिट नोट इज सेंड टू हिम, ए रिसीट इज सेंड टू हिम, क्या सेंड करेंगे उसके साथ में हम, गुड्स के साथ में? तो बच्चे क्या रिटर्न किया जाता है, एक डेबिट नोट सेंड किया जाता है उसके साथ में, सो दैट कि जो आपकी गुड्स गई हैं, ठीक है, तो उनका प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग हो सके, जो उनकी कॉस्ट है उसके ऊपर हम रिड्यूस कर सके उसको। ठीक है,
तो क्या जाएगा आपके पास में, डेबिट नोट जाएगा। क्लियर। डेबिट नोट को डिटेल में देख लेते हैं। कह रहा है कि डेबिट नोट इज ए कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय द बायर टू सेलर, जो बायर है वो सेलर को देता है डॉक्यूमेंट। इट एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर परचेज रिटर्न जर्नल। इन अदर वर्ड्स द डेबिट नोट इज एविडेंस ऑफ द रिडक्शन इन द परचेज, रिडक्शन इन द परचेज। क्लियर है। जब हमने उसे कुछ परचेज किया था, जो वापस दे दिया, तो उसके अंदर जितनी भी रिडक्शन हुई है उसका वो एक एविडेंस है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कहता है कस्टमर गुड्स रिटर्न शुड बी डेबिटेड टू। अब क्या हो रहा है, कस्टमर ने गुड्स रिटर्न करी है। देखो यहाँ पे बच्चे काफी कंफ्यूजन आती है कि दोनों में रिटर्न रिटर्न वर्ड आ जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, कैंडिडेट्स थोड़े से ना पजल हो जाते हैं कि हाँ जी दोनों में ही रिटर्न है। तो इसलिए मैंने इसको पूरा अच्छे से डिटेल में आप लोगों को समझाया है। तो इस क्वेश्चन और दोनों क्वेश्चन मैंने साथ साथ लिया सो दैट आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, कस्टमर गुड्स रिटर्न शुड बी डेबिटेड टू। कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दी मुझे, जब मैंने मुझे कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दी है तो उस टाइम पे कौन सा अकाउंट जनरेट होगा बेटा, सेल रिटर्न अकाउंट, या आप कह सकते हो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। ठीक है, तो कौन सा अकाउंट जनरेट होगा, सेल रिटर्न अकाउंट। ठीक है, और इसको आप ये क्या कह सकते हो, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट भी बोल सकते हो। ठीक है, अब जब मेरे पास में गुड्स रिटर्न होके आ रही है, तो गुड्स आ रही है मेरे पास, बट कम्स इन इन डेबिट आउट क्रेडिट। अब जब सेल कस्टमर ने मुझे वापस कर दिया सामान, तो सामान तो मेरे पास वापस आया ना, दैट मीन्स कि व्हाट कम्स इन इन तो डेबिट, तो क्या हो जाएगा, डेबिट। आया किसके पास है, हु इज द गिवर, कस्टमर इज द गिवर। कौन है, कस्टमर इज द गिवर। तो दूसरा अकाउंट किसका बनेगा आपके पास में बच्चे, कस्टमर का अकाउंट जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा, कस्टमर अकाउंट। कस्टमर अकाउंट आपके पास में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और क्वेश्चन क्या है, रिटर्न शुड बी डेबिटेड टू, डेबिटेड टू कौन सा आ जाएगा, सेल रिटर्न अकाउंट। अब सेल रिटर्न हमारे ऑप्शन में नहीं है, सेल रिटर्न नहीं है, कोई बात नहीं, सेल इनवर्ड तो है। तो देखिए सेकेंड ऑप्शन क्या है, रिटर्न इनवर्ड। क्या है, रिटर्न इनवर्ड। तो क्या आंसर आ जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा बच्चे, बी, रिटर्न इनवर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, देखिए क्या है। हाँ जी देखिए, कह रहा है व्हेन द गुड्स आर रिटर्न बाय ए कस्टमर, जब गुड्स रिटर्न करी जाती हैं कस्टमर के द्वारा, तो उस टाइम पे ए एन इनवॉइस इज सेंड टू हिम, ए डेबिट नोट इज सेंड टू हिम, ए क्रेडिट नोट इज सेंड टू हिम, और ए रिसीट इज सेंड टू हिम। तो देखो अभी हमने पीछे किया था कि अगर हम गुड्स खुद रिटर्न कर रहे हैं किसको, सप्लायर को, तो उस केस में डेबिट नोट सेंड कर रहे थे। ठीक है, इसी तरह से जब कस्टमर हमें गुड्स रिटर्न करता है तो उस केस में उसको क्या किया जाता है, एक क्रेडिट नोट सेंड किया जाता है। क्या किया जाता है, क्रेडिट नोट सेंड किया जाता है। क्लियर है। हाँ जी बच्चे, क्या किया जाता है, क्रेडिट नोट सेंड किया जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्रेडिट नोट इज सेंड टू हिम। क्रेडिट नोट क्या है, एक क्रेडिट नोट और क्रेडिट मेमो इज ए कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट इश्यूड बाई सेलर टू बायर, सेलर टू बायर। क्रेडिट नोट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर द सेल्स रिटर्न जर्नल। इन अदर वर्ड द क्रेडिट नोट इज द एविडेंस ऑफ द रिडक्शन इन सेल। क्लियर, ओके, सारा समझ आ गया सभी को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता गुड्स रिटर्न फ्रॉम खुशबू शुड बी क्रेडिटेड टू। हाँ जी, अब बताइए, अगर आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया तो एक सेकंड के लिए मैं रुक रही हूँ, आप बताइए मुझे जवाब क्या होगा। गुड्स रिटर्न फ्रॉम खुशबू, खुशबू ने गुड्स रिटर्न करी है, हु इज द गिवर, खुशबू इज द गिवर। तो खुशबू का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। हाँ जी, तो खुशबू का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। आंसर क्या आ जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बार कोई नहीं डिटेल में देख लेते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है गुड्स रिटर्न फ्रॉम खुशबू, गुड्स रिटर्न फ्रॉम खुशबू। अब मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे खुशबू को मैंने क्या किया था, सेल किया था, अब मुझे उसने वापस रिटर्न कर दिया है, तो एक अकाउंट बनेगा आपके पास में, सेल रिटर्न अकाउंट।
ठीक है। और दूसरा रिटर्न बनेगा मेरे पास में खुशबू अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेल रिटर्न अकाउंट है, से गुड्स मेरे पास में वापस आ रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास में डेबिट। और जो खुशबू है, खुशबू इज द गिवर, तो वो हो जाएगी क्रेडिट। सो खुशबू अकाउंट विल बी क्रेडिट। सो आंसर क्या आ जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। सो अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए जर्नल एंट्री दैट रिक्वायर्स मोर देन टू अकाउंट इज कॉल्ड, एक ऐसी जर्नल एंट्री जिसके अंदर दो से ज्यादा अकाउंट, दो या दो से ज्यादा अकाउंट रिक्वायर होते हैं, रिक्वायर्स मोर देन टू अकाउंट्स। देखो अभी तक जितने भी हमने अकाउंट के सभी में दो दो अकाउंट्स आ रहे थे, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर किसी एंट्री के अंदर दो से ज्यादा अकाउंट्स अगर आपके आ रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, तो बेटा उसको कहते हैं हम कंपाउंड जर्नल एंट्री। कौन सी है, कंपाउंड जर्नल एंट्री। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कंपाउंड जर्नल एंट्री को। देखिए जब आप कंपाउंड जर्नल एंट्री करते हो तो देखो पहले तो कंपाउंड जर्नल एंट्री होती क्या है, पर कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या है, कंपाउंड जर्नल एंट्री है कि अगर सेम नेचर ऑफ एंट्रीज, सेम नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन टेक प्लेस ऑन द सेम डेट, देन इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग टू अदर टू डिफरेंट सेपरेट एंट्रीज यू कैन रिकॉर्ड ए सिंगल एंट्री एंड दैट सिंगल एंट्री विल बी कॉल्ड कंपाउंड जर्नल एंट्री। क्लियर, अब देखो समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं कहती हूँ कि एक जून को मैंने सैलरी पे करी है, सैलरी पेड 1000 रुपीज, ठीक है, मैंने 1000 रुपीज सैलरी पे करी है। दूसरी आपके पास में एंट्री क्या है कि एक ही जून को मैंने किसी भी पर्सन का नाम लिख लीजिए, पेड टू महेश को मैंने 500 रुपए दिए हैं, ठीक है। अब देखो दोनों की दोनों एंट्रीज सेम डेट की है, बोथ द एंट्रीज ऑफ द सेम डेट एंड बोथ द एंट्रीज आर ऑफ द सेम नेचर, क्योंकि दोनों के अंदर हम क्या कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। और अभी मैंने आपको बताया कंपाउंड जर्नल एंट्रीज क्या कहती हैं, कि इफ टू और मोर एंट्रीज ऑफ सेम नेचर टेक प्लेस ऑन द सेम डेट, ठीक है, देन इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग डिफरेंट एंट्रीज सेपरेट एंट्रीज यू कैन रिकॉर्ड ए सिंगल एंट्री एंड दैट सिंगल एंट्री इज नोन एज द कंपाउंड जर्नल एंट्री। अब यहाँ पे इसके लिए आपको दो एंट्रीज करने की बजाय आप एक एंट्री कर सकते हो, क्या, सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, महेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब यहाँ पे महेश सैलरी दिया बेटा 1000 रुपीज, और यहाँ पे आपके पास में है, डाटा कट रहा है, थोड़ा सा इधर लिख देती हूँ एक बार मैं। हाँ जी देखिए क्या हो रहा है, सैलरी दिखाई दे रहा है अभी, हाँ ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, महेश के पास भी पैसा जा रहा है तो महेश अकाउंट अगेन डेबिट टू कैश अकाउंट, दोनों को हम पैसे दे रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 1500, और जो कैश अकाउंट है दैट इज क्रेडिट, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास में 1500 रुपए, कितना आ जाएगा 1500 रुपए। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हमने इन दोनों को टोटल करके इकट्ठा लिख दिया, अदरवाइज हमें दो सेपरेट एंट्रीज करनी पड़ती, क्या, सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, दूसरा करना पड़ता महेश अकाउंट टू कैश अकाउंट। हाँ जी साथ साथ टू का भी फंडा देख लीजिए बेटा, हमेशा जो क्रेडिट की एंट्री है उसके साथ में टू लगता है, डेबिट की एंट्री के लिए बाई लगता है, ठीक है, डेबिट की एंट्री के लिए हम बाई लिखते नहीं है जनरली, ठीक है, वो अंडरस्टूड है आपके पास में कि ये बाई की एंट्रीज हैं। तो आपके पास में कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि बाई हम डेबिट के एंट्री के लिए यूज करते हैं या फिर क्रेडिट के एंट्री के लिए यूज करते हैं, तो आप कह सकते हो कि डेबिट के लिए बाई यूज होता है, ठीक है, और क्रेडिट के लिए टू यूज होता है, डन, ओके। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, जर्नल एंट्री दैट रिक्वायर्स मोर देन टू अकाउंट्स इज कॉल्ड कंपाउंड जर्नल एंट्री, बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कैश डिस्काउंट अलाउड टू ए डेबिटर शुड बी डेबिटेड टू। पहले हम डिस्काउंट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट दो केसेस में डिस्काउंट आता है आपके पास में। एक, मैं बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, और मैं अपने कस्टमर को क्या कह रही हूँ, डिस्काउंट अलाउ कर रही हूँ, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, दूसरा, मैं बिजनेसमैन हूँ और मुझे सप्लायर से डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, जब मैं परचेज कर रही हूँ, मैं खुद परचेज कर रही हूँ, तो उस टाइम पे मुझे डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ठीक है, दो आपके पास में अकाउंट हो गए। अब यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, दोनों के दोनों बच्चे कौन से हैं, नॉमिनल अकाउंट्स हैं, दोनों के दोनों नॉमिनल अकाउंट्स हैं आपके, और दोनों के दोनों के अंदर अब आपने ये देखना है कि जब हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, जिस टाइम पे हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं उस टाइम पे ये क्या है, हमारा एक एक्सपेंस है, खर्चा है, ठीक है, एंड ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो उस केस में ये क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। एंड व्हेन वी आर गेटिंग सम डिस्काउंट, दैट मीन्स डिस्काउंट रिसीव, तो वो क्या है, हमारे लिए एक इनकम है, प्रॉफिट है। जब हमारे पास में ये एक इनकम है, इन दैट केस दिस विल क्रेडिट बिकॉज ऑल द इनकम्स आर डेबिटेड, ठीक है, सॉरी, इनकम्स आर क्रेडिट एंड ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बेटा, अपना क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हुए हमने समझना, कहता है कैश डिस्काउंट अलाउड टू ए डेबिटर, हमने कह रहा कैश डिस्काउंट अलाउ किया है टू ए डेबिटर, एक डेबिटर को कैश अकाउंट मैंने अलाउ किया है। जब मैं बिजनेसमैन कैश डिस्काउंट अलाउ कर रही हूँ तो उस केस के अंदर जो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट है आपका, वो क्या जाएगा आपका, डेबिट बिकॉज आई एम अलाउइंग सम डिस्काउंट, ठीक है, और जो डेबिटर अकाउंट होगा आपका वो क्या हो जाएगा बच्चे, क्रेडिट। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा आपके पास में, डिस्काउंट अलाउड टू ए डेबिटर शुड बी डेबिटेड टू, किसके डेबिटेड टू क्या आ जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट, तो आंसर क्या आ जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट। क्लियर है यहाँ पे, हाँ जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको समझने के लिए, नेक्स्ट देख क्या क्वेश्चन, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम ए सप्लायर। हाँ जी, देखो दोनों के दोनों मैंने साथ में क्वेश्चन लिए, सो दैट आपका डाउट क्लियर हो जाए कि डिस्काउंट पे आपका क्वेश्चन गलत ना हो। यहाँ पे कह रहा है कैश डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम द सप्लायर, सप्लायर से मुझे रिसीव हो रहा है कैश डिस्काउंट। अब जब मुझे रिसीव हो रहा है तो उस केस के अंदर जो डिस्काउंट अकाउंट है, तो डिस्काउंट अकाउंट क्या होगा आपका, क्रेडिट होगा, ठीक है, और जो सप्लायर है, सप्लायर का अकाउंट क्या होगा आपका, डेबिट होगा। क्या होगा बच्चे, डेबिट, ठीक है, क्वेश्चन है डेबिटेड टू, तो डेबिटेड टू कौन सा आ जाएगा आपके पास में, सप्लायर अकाउंट, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सप्लायर अकाउंट। क्लियर, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, आई होप समझ आ गया होगा, डिस्काउंट पे कोई डाउट नहीं होगा अब आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कहते इन कंपाउंड जर्नल एंट्री टू और मोर अकाउंट्स कैन बी, अकाउंट है बेटा इसमें साथ में, टू और मोर अकाउंट्स कैन डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, नन ऑफ दीज। कह रहा है कि अगर कंपाउंड जर्नल एंट्री है तो इसमें दो या दो से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो सकते हैं या फिर क्रेडिट हो सकते हैं, या फिर किसी केस में डेबिट हो सकते हैं या फिर क्रेडिट हो सकते हैं, कोई कंफर्म तो नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। क्योंकि जैसे अभी मैंने देखा कि मैंने आपको कंपाउंड जर्नल एंट्री समझाई थी, तो उस टाइम पर मैंने बताया दोनों के अंदर हम पेड कर रहे थे, ठीक है, जैसे सैलरी पेड, वेजेज पेड, पेड टू महेश, पेड टू सुरेश, सारे की सारी एंट्रीज के अंदर हम पे कर रहे हैं, तो इसके अंदर मोर देन टू अकाउंट्स क्या हो रहे हैं आपके, डेबिट हो रहे हैं, एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिट, ठीक है। इन केस ऐसा भी तो हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव ना सॉरी हाँ कमीशन रिसीव हो रहा है मुझे, ठीक है जी,
अब इसी तरह से कमीशन रिसीव हो गया और आपके पास में और भी कोई इस तरह की एंट्री आ जाती है, रिसीव फ्रॉम महेश, रिसीव फ्रॉम सुरेश, तो इस सभी केसेस के हमारे पास में क्या आ रहा है, कैश हमें रिसीव हो रहा है, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, एंड ऑल द अदर टू और मोर अकाउंट्स विल बी क्रेडिटेड। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ट्रांजेक्शन, द अकाउंट कैन बी डेबिट और क्रेडिट, सो आंसर विल बी सी। समझ आ गया सभी को, सी आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है ए ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन द सेम डे, ए ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डिंग ऑन द सेम डे, इट टेक प्लेस, रिकॉर्डिंग ऑन द सेम डे इट टेक प्लेस, सो जर्नल इज आल्सो कॉल्ड। कहते जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन है जो कि सेम डे पे हम रिकॉर्ड करते हैं, तो देखो जब भी ट्रांजैक्शन होती है सबसे पहले हम क्या करते हैं, जर्नल में उसको रिकॉर्ड करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि इसलिए जर्नल को और भी कुछ कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एन एंट्री बुक, लेजर बुक, डे बुक और हिस्ट्री बुक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब हम डेली कर रहे हैं दैट मीन्स डे बुक, तो क्या आंसर आ जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर, ए डे बुक, जर्नल को डे बुक भी कहा जाता है, क्लियर। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉस ऑफ गुड्स बाई फायर शुड बी क्रेडिटेड टू। हाँ जी, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए पहले। कहता लॉस ऑफ गुड्स, लॉस ऑफ गुड्स कैसे हो सकती है, लॉस ऑफ गुड्स का अगर केस आता है तो बच्चे फायर से अपने पास में गुड्स लॉस हो सकती है, या फिर चोरी की वजह से भी हमारे पास में गुड्स लॉसेस हो सकती है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर हमारे पास में लॉस ऑफ गुड्स हो रहा है तो उस केस के अंदर क्या है ये हमारा, हाँ जी, एक तरह का एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस हमारे किस में जाते हैं, डेबिट में जाते हैं, तो ये अकाउंट किस में जाएगा आपका, डेबिट में जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि फिर क्रेडिट में क्या जाएगा, डेबिट में तो लॉस ऑफ गुड्स बाई फायर, लॉस ऑफ गुड बाई थेफ्ट, एवरीथिंग विल बी डेबिट। अब बात आती है कि हाँ जी क्रेडिट में क्या जाएगा, तो देखो लॉस ऑफ गुड्स, गुड्स का लॉस हो रहा है, जा क्या रही हैं, गुड्स जा रही हैं, क्या जा रहा है, गुड्स जा रही हैं। अब गुड्स अकाउंट तो बनेगा नहीं, तो क्या बनता है, परचेज अकाउंट, हमारी गुड्स चली गई हैं बट उनके बदले मुझे कोई पैसा नहीं आया, तो क्या आ गया, परचेज अकाउंट, क्या आ जाएगा, परचेज अकाउंट क्रेडिट। ध्यान रखना बच्चे ना, एक रट्टा लगा के रखते हैं माइंड के अंदर कि हाँ जी परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, बट बेटा जी लॉस ऑफ गुड्स की केस के अंदर आपका परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, डी परचेज अकाउंट, क्या आ जाएगा, डी परचेज अकाउंट। बिल्कुल ध्यान से समझना इसको कि परचेज अकाउंट, अगर हम वैसे परचेज का केस लेते हैं, परचेज टू एनी पर्सन और परचेज बाय कैश, तो उस केस में परचेज अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि जब हम परचेज कर रहे हैं किसी से तो हमारे पास में गुड्स आ रही हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। बट अब यहाँ पे लॉस ऑफ गुड्स हो रही हैं, गुड्स मेरी जा रही हैं, ठीक है, अब मेरी जा रही हैं गुड्स, ठीक है, तो उस केस के अंदर सेल नहीं हुई, अदरवाइज क्या होता कि मेरी गुड्स और किस केस में जाती हैं, जब मैं सेल करती हूँ अपने गुड्स को तो भी तो मेरी गुड्स जाती है, तो उस केस में सेल अकाउंट बन जाता है, और यहाँ पे परचेज की बजाय सेल अकाउंट मेरा डेबिट हो, सॉरी क्रेडिट हो जाता है। बट इन द केस ऑफ लॉस ऑफ गुड्स ऑफ फायर और थेफ्ट, हमारी गुड्स सेल नहीं हो रही, हमारी गुड्स का लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उस केस के अंदर परचेज अकाउंट क्या होगा, ऑलवेज क्रेडिट होगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना इसको, परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, क्लियर। सो इसी तरह से एक और अकाउंट है बेटा, जब हम एडवर्टाइजमेंट, ये भी ध्यान रखना, एडवर्टाइजमेंट का क्वेश्चन भी आ जाता है, क्या है कि अगर मान लीजिए हम एडवर्टाइजमेंट के लिए फ्री सैंपल बांट रहे हैं लोगों को, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इन दैट केस अगेन परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड एडवर्टाइजमेंट अकाउंट विल डेबिट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस यूज शुड बी क्रेडिटेड टू। ऑफिस यूज के लिए हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो दो अकाउंट बनेंगे आपके, जब आप फर्नीचर खरीद रहे हो तो उस टाइम पे फर्नीचर, एक अकाउंट बनेगा आपका फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, और दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, फर्नीचर खरीद रहे हैं तो उधार तो खरीद नहीं रहे, पैसे दे के खरीद रहे, दैट मीन्स दूसरा कैश अकाउंट बन जाएगा आपका, तो दूसरा अकाउंट हो जाएगा बच्चे आपके पास में कैश अकाउंट, क्लियर। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स आप ध्यान से देखिए, जो कैश अकाउंट है, ठीक है, जब आपके पास में फर्नीचर खरीद रहे हो तो फर्नीचर आपके पास आ रहा है, व्हाट कम्स इन, डेबिट, एंड व्हाट गोज आउट इज
क्रेडिट, दैट मीन्स कैश अकाउंट विल क्रेडिट एंड फर्नीचर अकाउंट विल डेबिट. डन. तो क्वेश्चन क्या है आपका, शुड बी क्रेडिटेड टू, क्रेडिटेड टू, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा आपका कैश अकाउंट, दैट मीन्स सी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है विड्रॉ मनी फॉर पर्सनल यूज बाय द प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड टू. अब देखो ये कह रहा है कि पैसा निकाल रहा है प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ड्रॉइंग अकाउंट में पहले भी आपको करा चुकी हूँ. तो बेटा जब भी इस तरह की कोई भी सिचुएशन आती है जिसके अंदर ओनर पैसे निकाल रहा है बिजनेस के अंदर से अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उस केस के अंदर ड्रॉइंग अकाउंट जनरेट होता है. कौन सा अकाउंट जनरेट होता है, ड्रॉइंग अकाउंट. ठीक है, एक आपके पास में ड्रॉइंग अकाउंट जनरेट होगा, ठीक है, और दूसरा आपके पास में क्योंकि कैश निकाल रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए तो एक कैश अकाउंट यूज होगा. तो कैश अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास में, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि कैश हमारा जा रहा है, व्हाट गोज आउट. रूल को याद रखो माइंड के अंदर, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, व्हाट कम्स इन डेबिट, रिसीवर द डेबिट, ठीक है, गिवर द क्रेडिट, ऑल द एक्सपेंसेस डेबिट, ऑल द इनकम्स क्रेडिट. बस ये 6 लाइनें हैं, ये याद कर लो आप, सारा कुछ क्लियर है. अब यहाँ पे देखो ड्रॉइंग अकाउंट क्या है, एक एक्सपेंसेस है एंड ऑल द एक्सपेंसेस डेबिट. तो क्वेश्चन क्या है, शुड बी डेबिटेड टू, डेबिटेड टू दैट मीन्स ड्रॉइंग अकाउंट, आंसर आ जाएगा आपके पास में ड्रॉइंग अकाउंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. मतलब जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, ठीक है, और जो स्टूडेंट्स हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है, वो कैंडिडेट्स हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकता है. उसके अंदर आपको सारे के सारे वीडियोज़ 1000+ वीडियोज़ आपको मिलेंगी, जिसके अंदर आपके कंप्लीट कोर्स होगा, ठीक है. उसके अलावा आपके सेक्शनल टेस्ट होंगे, कंप्लीट मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे. तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने, जिन जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई करना है, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो और बाकी की डिटेल्स भी आप वहाँ से ले सकते हो. ONC का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. हाँ जी, करिए नेक्स्ट क्वेश्चन. सैलरी इज पेड टू क्लर्क शुड बी क्रेडिटेड टू. हाँ जी, आई होप ये तो आप कर लोगे. सैलरीज में आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ, जब भी हम सैलरीज दे रहे हैं किस फॉर्म में दे रहे हैं, कैश की फॉर्म में सैलरी जा रही है, ठीक है. तो एक सैलरी अकाउंट आपका जनरेट होगा और दूसरा कैश अकाउंट जनरेट होगा, ठीक है. तो सैलरी मीन्स एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस एंड ऑल द एक्सपेंसेस डेबिट, एंड व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट है कैश, व्हाट गोज आउट क्रेडिट. क्वेश्चन क्या है, शुड बी क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट, सो कैश अकाउंट विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप सभी को जर्नल एंट्रीज अच्छे से समझ आ गई होंगी. अगर कुछ भी डाउट आपका रहता है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका रहता है, सो दैट नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें. आपके जो हमारा जो फ्री वार्म अप कोर्स था उसके अंदर हमने टोटल 18 क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए कहा था, बट बेटा 18 क्वेश्चन कल अकाउंट की नहीं थी, वो आपके कंप्लीट कोर्स की 18 क्लासेस थी. बट अभी जैसे कि आप सभी जानते हो कि लॉकडाउन की वजह से अभी आपकी वैकेंसीज आनी थी, अभी तक उनका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो इसलिए हम आपकी क्लासेस आगे कंटिन्यू करवाई जा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है. तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच.